स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट, यानी कि द्विबीजपत्रियों के अंदर जो भ्रूण का विकास होता है वो कैसे होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, ये जो हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट पढ़ेंगे, ये हम एक टिपिकल डाइकोट प्लांट का एग्जाम्पल लेकर पढ़ेंगे, और वो है कैप्सिला बर्सा पेस्टोरिस। ये जो कैप्सिला है ये एक्चुअली क्रूसीफेरी कुल का सदस्य है, और इसको एक टिपिकल आवृतबीजी माना गया है, टिपिकल एंजियोस्पर्म माना गया है। ठीक है, और याद रखना ये जो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स जो आप लोग पढ़ रहे हैं, ये जो डेवलपमेंट है इसको हम बोलते हैं क्रूसीफर टाइप ऑफ डेवलपमेंट या ओनाग्रेट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। आर यू गेटिंग, क्या कहा मैंने? इस प्रकार के भ्रूणीय परिवर्धन को हम क्रूसीफर टाइप या ओनाग्रेट टाइप का कहते हैं। ठीक है, अच्छा, यहां पर इसके जितने भी जो मैंने ए से लगाकर और एच तक जितने भी डायग्राम्स के थ्रू मैंने इसको प्रेजेंटेशन करने की कोशिश की, इनको समझें, क्योंकि आपकी जो बुक्स है एनसीईआरटीज वगैरह है उसमें इसका स्लाइड सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है और पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है, तो कई बार चीजें समझ में नहीं आती है, तो इसको ध्यान से देखें। देखिए, सबसे पहले भ्रूण किससे बनता है ये तो आप जानते हो कि जायगोट जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, और जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण जो होता है वो क्या होता है? मल्टीसेलुलर होता है। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे यहां पर कि जायगोट से हमको क्या बनाना है? इस जायगोट से हमको एम्ब्रियो बनाना है। आखिर अब जायगोट कहां बनता है? तो अब इतना तो सब लोग जानते हैं कि ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड होता है, और बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है जिसको कि बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, और उस डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन द्विनिषेचन और त्रिक संलयन के फल स्वरूप एक रचना बनती है, और आप क्या कहते हैं उसको? जायगोट कहते हैं। ठीक है, युग्मनज कहते हैं। तो युग्मनज कैसे बनता है? जब एक मादा युग्मक यानी कि भ्रूण कोश में उपस्थित एग सेल से जुड़ता है तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। ये वो जायगोट है, और ये सिंगल सेल होता है। ओके, जायगोट हमेशा सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है। अब ये जो जायगोट है इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट, ये एक विश्राम अवस्था में एंटर कर जाता है, और फिर ये अपने चारों तरफ एक परत बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, और जब जायगोट के चारों तरफ जब लेयर बन जाती है तो उस जायगोट को हम ऊसफोर कहते हैं, व्हाट वी कॉल ऊसफोर। ठीक है, अब ऊसफोर या जायगोट के अंदर सबसे पहले एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा। देख सकते हो आप, जायगोट के अंदर सबसे पहले क्या हुआ? एक ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ। ये एक प्रकार का माइटोटिक डिवीजन है, समसूत्री विभाजन है। तो जायगोट के अंदर पहला विभाजन हुआ, ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ, और जायगोट के अंदर डिवीजन होने से दो सेल्स बन गई, एक ये वाली सेल और एक ये वाली सेल, दो सेल्स बन गई। ये वाली जो सेल है इसको बोलते हैं आधारीय कोशिका, इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं बेसल सेल, या इसको हम सस्पेंसर सेल भी कहते हैं। सस्पेंसर सेल का मतलब है निलंबक कोशिका। ओके, तो ये आधारीय कोशिका है या निलंबक कोशिका है, नीचे वाली। और हमेशा ध्यान रखो ये कोशिका माइक्रोपाइल की तरफ होती है। जानते हैं ना ओव्यूल के अंदर दो रीजन होते हैं, एक होता है माइक्रोपाइल और एक होता है चलाजा। माइक्रोपाइल मतलब बीजांड द्वार और चलाजा मतलब निभाग। तो ये वाली जो सेल है वो हमेशा कहां पर होती है? बेसल सेल कहां पर होती है? माइक्रोपाइल की तरफ। मतलब लगभग लगभग बेसल सेल कहां पर होगी? यहां पर। ओके, माइक्रोपाइल की तरफ। और जो टर्मिनल सेल है वो किधर की तरफ होगी? चलाजल एंड की तरफ होगी, निभाग की तरफ होगी। ठीक है, तो ये देखो ऊपर वाली सेल क्या है? टर्मिनल सेल, यानी कि अंतस्थ कोशिका, या इसको शीर्षस्थ कोशिका भी कहते हैं, या इसको भ्रूणीय कोशिका भी कहते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से बता दूं, जायगोट के अंदर डिवीजन हुआ तो डायग्राम नंबर बी के ऊपर फोकस कीजिए, दो सेल बनी। ये वाली बेसल सेल है जिसको सस्पेंसर सेल भी कहते हैं, आधारीय कोशिका या निलंबक कोशिका, और ये हमेशा बीजांड द्वार की तरफ होती है, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल। और ये वाली जो सेल है इसको बोलते हैं टर्मिनल सेल, यानी कि अंतस्थ कोशिका, या एपिकल सेल शीर्षस्थ कोशिका, या भ्रूणीय कोशिका एम्ब्रियोनल सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो दो कोशिका बन गई, एक सिंगल सेल जायगोट से अब कितनी कोशिका बन गई? दो। इसको भ्रूणीय कोशिका क्यों कहते हैं, एम्ब्रियोनल सेल क्यों कहते हैं? तो बट नेचुरल है कि इससे क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। और ये जो बेसल सेल है इससे क्या बनेगा? ये क्या बेसल सेल को सस्पेंसर सेल कह रहे हैं। सस्पेंसर सेल क्या बनेगी? सस्पेंसर। सस्पेंसर को हिंदी में क्या कहते हैं? निलंबक। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा? भ्रूण बनेगा। इससे क्या बनेगा? निलंबक बनेगा। ठीक है, तो डायग्राम नंबर बी तक क्लियर है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं।
अब सबसे पहले देखिए, ये जो ऊपर वाली एपिकल सेल है जो कि चलाजा की तरफ है, निभाग की तरफ है, ये डिवाइड करती है वर्टिकली। वर्टिकली कैसे होता है? ऐसे, मतलब इस वाली टर्मिनल सेल के अंदर, इस टर्मिनल सेल के अंदर डिवीजन कैसे होगा? ऐसे खड़ा डिवीजन होगा, वर्टिकली लॉन्गिट्यूडली यानी कि अनुलंब विभाजन होगा। तो नेचुरल है कि ये एक सेल है तो इसके अंदर माइटोसिस हुआ और ये वर्टिकली डिवाइड हुई तो कितने सेल्स बच जाएगी? दो, एक ये रही और एक ये रही, दो सेल्स बन गई। ठीक है, तो बताओ जल्दी से, एम्ब्रियोनल सेल के अंदर जब वर्टिकल डिवीजन हुआ तो कितनी एम्ब्रियोनल सेल बन गई? दो। इसी प्रकार से इसी वक्त ये जो बेसल सेल है या जो सस्पेंसर सेल है वो ट्रांसवर्सली डिवाइड करती है। ट्रांसवर्सली डिवाइड कैसे होगा? ऐसे, राइट, ऐसे डिवीजन होगा, ऐसे नहीं। तो इसके अंदर जो सस्पेंसर सेल माइक्रोपाइल की तरफ है, बीजांडद्वार की तरफ है, उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन हुआ यानी कि अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। तो नेचुरल है कि यहां पर दो सेल्स और बन गई, इनको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल का मतलब होता है निलंबक कोशिका, और ये जो एम्ब्रियोनल सेल है ये क्या है? भ्रूणीय कोशिका। ठीक है, तो यहां पर अब दो तो बन गई भ्रूणीय कोशिका और दो बन गई निलंबक कोशिका। तो ये कितनी है? फोर सेल्स बन चुकी है। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बना है, डायग्राम नंबर सी के ऊपर आपको फोकस करना है, ये टी शेप संरचना है। टी शेप स्ट्रक्चर का मतलब है कि अंग्रेजी का जो अल्फाबेट होता है टी, उसके जैसा यहां पर स्ट्रक्चर बन रहा है, राइट, उसके जैसा स्ट्रक्चर यहां पर बन रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टी शेप स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो डायग्राम नंबर सी क्लियर है। इसके अंदर फोर सेल्स दिखाई दे रही है, दो भ्रूणीय कोशिका और दो निलंबक कोशिका। ठीक है, अब ये जो भ्रूणीय कोशिका है, ये एम्ब्रियोनल सेल है, जो दो एम्ब्रियोनल सेल है, इनके अंदर अब एक और डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। और आप जानते हो कि माइटोसिस के अंदर एक से दो, दो से चार, चार से आठ, सोलह, इस तरीके से सेल्स बनती है। तो एम्ब्रियोनल सेल के अंदर डिवीजन हुआ यहां पर ऐसे, राइट, अनुप्रस्थ विभाजन हुआ। तो जो दो एम्ब्रियोनल सेल है उसकी जगह पे अब कितनी बन गई? चार, एक, दो, तीन और चार। ठीक है, ये बात खत्म। एम्ब्रियोनल सेल के अंदर डिवीजन हुआ, आपको डायग्राम नंबर एच के ऊपर फोकस करना है, राइट, ये डायग्राम नंबर डी, सॉरी, इसके ऊपर आप लोग डी के ऊपर फोकस करेंगे, राइट। और यहां पर देखिएगा, ये वाली जो सेल है इसके बारे में बताता हूं कि ये क्या चीज है। तो ये हाइपोफाइसिस है। तो पहले तो आप यहां पर फोकस करो, एम्ब्रियोनल सेल के अंदर डिवीजन हुआ तो कितनी एम्ब्रियोनल सेल बन गई? चार। ये जो चार एम्ब्रियोनल सेल बनी है इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। क्यों? क्योंकि चार के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्वाड्रेंट वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो चार एम्ब्रियोनल सेल बनी है, इस चार सेल वाले जो एम्ब्रियो है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट स्टेज। ठीक है, राइट, क्वाड्रेंट आप कह सकते हो, टेट्राड स्टेज कह सकते हो। ठीक है, नाउ ये जो दो सस्पेंसर सेल्स है नीचे की, अब इनके अंदर खूब सारे आठ से लेकर दस तक क्या होंगे? इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होंगे, ऐसे ट्रांसवर्स। और ट्रांसवर्स डिवीजन के कारण ये जो सस्पेंसर सेल है, इस सस्पेंसर सेल के अंदर डिवीजन से एक रचना बनेगी 6 से 10 कोशिकाओं युक्त। और ये जो 6 से 10 कोशिका युक्त संरचना बनी है सस्पेंसर सेल के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन से, उस रचना को हम बोलते हैं सस्पेंसर। व्हाट वी कॉल? सस्पेंसर। सस्पेंसर का मतलब क्या होता है? सस्पेंसर का मतलब होता है निलंबक। ओके, अब प्रश्न उठता है कि आखिर चलो एम्ब्रियोनल सेल से तो एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन ये जो 6 से 10 सेल जो सस्पेंसर है, निलंबक है, इसका काम क्या है? तो याद रखो, निलंबक का काम होता है भ्रूण को भ्रूण पोष की गहराई में धकेलना, भ्रूण को भ्रूण पोष की गहराई में धकेलना, ताकि भ्रूण को क्या प्राप्त हो सके? पोषण प्राप्त हो सके। ठीक है, नाउ ये जो सस्पेंसर है, राइट, ये जो सस्पेंसर है, इसकी ऊपर की जो कोशिका है, सबसे ऊपर की कोशिका जो एम्ब्रियोनल सेल्स के पास में है, इसको तो बोलते हैं हाइपोफाइसिस। इसको तो क्या बोलते हैं? हाइपोफाइसिस। और जो इसकी नीचे वाली सेल है, सबसे नीचे वाली सेल, वो फूल जाती है, राइट, और ये माइक्रोपाइल की तरफ होती है, और इसको हम क्या बोल देते हैं? होस्टोरियल सेल कह देते हैं। वापिस से बोल रहा हूं, ये जो 6 से 10 कोशिकीय जो निलंबक है, इसकी ऊपर वाली जो सेल जो कि एम्ब्रियोनल सेल के पास में, इसको तो बोलते हैं हाइपोफाइसिस। और जो ये नीचे वाली सेल है, सबसे नीचे वाली सेल जो कि माइक्रोपाइल की तरफ है, ये फूल जाती है, और इसको हम क्या बोलते हैं? होस्टोरियल सेल, राइट, या चूषक कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो डायग्राम नंबर डी के अंदर आपको देख पा रहे हैं। अब क्या होता है, वापस से इन एम्ब्रियोनल सेल के अंदर जो चार एम्ब्रियोनल सेल है,
इनके अंदर अब डिवीजन होता है, तो नेचुरली कि माइटोसिस होगा, तो चार सेल से कितनी सेल बन जाएगी, आठ सेल। तो ये जो एम्ब्रियो है, जो चार सेल वाला जो एम्ब्रियो है, वो एट सेल्ड एम्ब्रियो के अंदर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये वाली जो स्टेज थी वो कौन सी थी, टेट्राड या क्वाड्रेंट स्टेज, राइट। लेकिन अब ये जो स्टेज है एट सेल्ड एम्ब्रियो वाला जो है स्टेज, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट स्टेज कहेंगे, यानी कि अष्टक प्रवस्था के नाम से इसको जाना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितनी सेल्स हो चुकी है, आठ। और ये तो नीचे निलंबक ऐसा कैसा है, ये निलंबक की ये वाली जो सेल है जो एम्ब्रियोनल सेल के पास में, वो तो क्या हाइपोफाइसिस है। और जो सबसे नीचे वाली जो सेल है, राइट, जो न्यूट्रिशन को प्रोक्योर करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, हॉस्टोडियल सेल कहते हैं, ठीक है। अब याद रखो ये जो हाइपोफाइसिस है ये तो क्या बनाती है, रूट कैप। इससे क्या बनेगा, ये रूट कैप बनाएगी। रूट कैप का मतलब होता है मूल गोप का निर्माण करेगी, राइट। और निलंबक जो है वो भ्रूण को कहां पर धकेलेगा, भ्रूण पोष के अंदर धकेलने का काम करेगा, ठीक है। अब ये जो एट सेल्स है, एट एम्ब्रियोनल सेल्स है, इस एट में से जो ऊपर वाली चार सेल्स है, एक दो तीन और ये चार, इनको बोलते हैं एपिबेसल सेल, राइट। और ये हमेशा कहां पर होती है, चलाजा की तरफ, निभाग की तरफ। और ये जो नीचे की चार सेल है, एक दो तीन और चार, ये जो नीचे की चार सेल्स है, इनको हम बोलते हैं हाइपोबेसल सेल। हाइपो का मतलब होता है नीचे, एपी का मतलब होता है ऊपर। तो ये जो एपिबेसल सेल है ये तो चलाजा की तरफ है, और हाइपोबेसल सेल जो है वो उसके नीचे की तरफ है, ठीक है। अब ये जो हाइपोबेसल सेल है इनसे क्या बनता है, तो ऑलवेज रिमेंबर, इनसे रेडिकल और हाइपोकोटाइल बनता है, ठीक है। इनसे क्या बनता है, रेडिकल और हाइपोकोटाइल। रेडिकल समझते हो ना, मूलांकुर। तो इनसे तो क्या बनता है, रेडिकल एंड हाइपोकोटाइल। और इनसे क्या बनता है, एपिबेसल सेल से क्या बनता है, तो तीन चीजें बनती है इनसे। एक तो बीजपत्र बनते हैं, यानी कि कॉटलीडोन, दो कॉटलीडोन्स बनते हैं, राइट। एपिकोटाइल बनता है और प्लूम्यूल बनता है। प्लूम्यूल मतलब कि प्रांकुर, ठीक है। वापिस से बोल रहा हूं, एपिबेसल सेल से दो कॉटलीडोन्स बनते हैं, दो बीजपत्र बनते हैं, डाइकोट, इसलिए दो बीजपत्र बनेंगे। मोनोकोट होता तो केवल एक ही बीजपत्र बनता। एक एपिकोटाइल बनता है और एक प्लूम्यूल बनता है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि कॉटलीडोन क्या है, एपिकोटाइल क्या है और प्लूम्यूल क्या है, ठीक है। और ये जो हाइपोबेसल सेल है ये क्या बनाती है, रेडिकल और हाइपोकोटाइल। और हाइपोफाइसिस सेल जो थी निलंबक की, उससे क्या बनती है, दैट इज रूट कैप, ओके। तो ये वाला डायग्राम क्लियर है, ये वाला डायग्राम। अब आगे देखो, यहां पर फोकस करना है एफ वाले डायग्राम के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है एम्ब्रियो की। ये जो एट सेल एम्ब्रियो है, एट सेल एम्ब्रियो है जिसको कि ऑक्टेंट स्टेज कह रहे हैं, अब ये एट सेल वापिस से माइटोसिस के द्वारा डिवाइड हो जाएगी, तो कितनी सेल्स बन जाएगी, 16 सेल्स बन जाएगी। और ये जो 16 सेल वाला जो एम्ब्रियो है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो, व्हाट वी कॉल ग्लोबुलर एम्ब्रियो, ठीक है। और 8 सेल्स तो बाहरी लेयर के अंदर है, और 8 कहां पर है, इनर सेल्स के अंदर, अंदर है। 8 सेल्स अंदर होती है और 8 सेल्स कहां पर होती है, बाहर होती है। और ये जो 16 कोशिकीय वाला जो भ्रूण है, राइट, इसको हम बोलते हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। तो ये डायग्राम नंबर एफ क्लियर होगा। अब आगे बढ़ो, इस डायग्राम नंबर जी के ऊपर फोकस कीजिएगा। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है कि 16 कोशिकीय वाला जो भ्रूण था वो ग्लोबुलर एम्ब्रियो था। अब क्या होता है, सून क्या होता है, ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन जारी रहते हैं, 16 कोशिका के बाद में और भी कोशिकाएं बनती रहती है, और ये जो रचना है वो क्या बन जाती है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ये जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो है वो बदल जाता है किसके अंदर, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो के अंदर, यानी कि हृदयाकार भ्रूण बन जाता है। और इस हृदयाकार भ्रूण की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, विभज्योतक होती है। और आप जानते हैं कि विभज्योतक कोशिकाएं वह होती है जिनके अंदर लगातार विभाजन की क्या होती है, क्षमता। इसी वक्त आपने देखा है कि यहां पर एपिबेसल सेल्स क्या बना चुकी थी, कॉटलीडोन्स। तो यहां पर ये जो आपको दो दिखाई दे रहे हैं ये क्या चीज है, ये कॉटलीडोन्स है, यानी कि बीजपत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। यहां पर जो है वो क्या है, प्लूम्यूल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, प्रांकुर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसी वक्त याद रखो कि जब एक एम्ब्रियो हार्ड शेप हो जाता है और इस हार्ड शेप एम्ब्रियो की सभी कोशिकाएं कैसी होती है, विभज्योतक होती है। तो ये जो विभज्योतक कोशिकाएं होती है वो तीन परतों का निर्माण करती है, ठीक है। एक सबसे बाहरी परत होती है, इसको बोलते हैं डर्मेटोजन, हिंदी में बोलते हैं इसको त्वचा जन। और जैसे कि नेम शो कर रहा है, त्वचा जन से अधिचर्म का क्या होता है निर्माण। नेचुरली कि आपने 11वीं कक्षा के अंदर एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा कि तीन लेयर्स बनती है, ठीक है ना, और वो कौन सी होती है, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लूरम। सबसे बाहर के डर्मेटोजन हिंदी में बोलते हैं इसको त्वचा जन,
पेरिब्लम का मतलब क्या होता है? वल्कुटजन, और ये क्या है? रंगजन। तो तीन परतें बन गई, कौन सी? डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लूरम। ये सबसे बाहर, ये बीच में और ये सबसे भीतर वाली, ठीक है। वापस हिंदी में भी बोल रहा हूँ, त्वचाजन, वल्कुटजन और रंगजन। जैसे कि नाम दर्शा रहा है, त्वचाजन या डर्मेटोजन क्या बनाएगी? अधिचन। पेरिब्लम यानी कि वल्कुटजन क्या बनाएगी? वल्कुट कॉर्टेक्स। और प्लूरम क्या बनाएगी? रंगजन यानी कि रंग का निर्माण करेगी। और उसके अंदर क्या होते हैं? वेस्कुलर सिलेंडर्स होते हैं, यानी कि जाइलम फ्लोएम होते हैं, तो वो निर्माण करेगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भ्रूण जब परिवर्तित हो रहा होता है तो ये हार्ट शेप एम्ब्रियो के अंदर ये तीन लेयर्स बन जाती है, डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लूरम, त्वचाजन, वल्कुटजन और रंगजन। तो ये भ्रूण के अलग अलग भागों का निर्माण करती है, जैसे कि डर्मेटोजन द्वारा अधिचर्म का, पेरिब्लम यानी कि वल्कुटजन द्वारा वल्कुट का, और प्लूरम के द्वारा रंग का, रंग के अंदर के जितने भी भाग है, वेस्कुलर बंडल वगैरह वो, ठीक है। और ये तो निलंबक है ही अपनी जगह पे, तो ये कौन सा है? हार्ट शेप एम्ब्रियो। तो सीक्वेंस ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर जो पूछते हैं, पहले ये जो एफ डायग्राम के अंदर आपको ग्लोबुलर एम्ब्रियो दिख रहा है, फिर आपको कौन सा दिख रहा है? हार्ट शेप एम्ब्रियो दिख रहा है। अब आगे बढ़ो, आप ये तो जानते हो कि ये जो पूरा भ्रूणीय परिवर्तन आवृतबीजी पादपों में चल रहा है, वो किसमें चल रहा है? ओव्यूल के अंदर। ये क्या है ओव्यूल? ओव्यूल मतलब क्या? बीजांड। अरे भाई, बीजांड के अंदर ही तो पूरा का पूरा भ्रूणीय परिवर्तन चलता है। और ये जो बीजांड है, ये किसमें है? तो ओवरी के अंदर है। तो याद रखो, ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल है। और ओव्यूल के अंदर क्या चल रहा है? ये भ्रूणीय परिवर्तन चल रहा है, ठीक है। तो ये जैसे ही हार्ट शेप एम्ब्रियो वगैरह बन जाएगा, तो फिर ये जो एम्ब्रियो है, हार्ट शेप एम्ब्रियो, वो सून बदल जाएगा एक मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर। ये देखो, ये पूरा ओव्यूल बता रखा है, राइट। याद रखना कि कैप्सुला के अंदर जो ओव्यूल का प्रकार होता है, कैप्सुला के अंदर जो बीजांड का प्रकार होता है, उसको बोलते हैं कैंपाइलोट्रोपस। क्या बोलते हैं? कैंपाइलोट्रोपस। और इस कैंपाइलोट्रोपस ओव्यूल के अंदर, कैंपाइलोट्रोपस बीजांड के अंदर जो भ्रूण बन रहा है, वो भी कैसा हो जाता है? कर्व्ड हो जाता है। ये देखो, ये पूरा के पूरा ऐसे क्या हो गया? कर्व्ड हो गया है, ठीक है। और ये जो कर्व्ड, राइट, कर्व्ड ओव्यूल के अंदर ये जो कर्व्ड एम्ब्रियो बना है, इसको बोलते हैं मैच्योर एम्ब्रियो। ये पूरा परिपक्व क्या है? एक भ्रूण है, राइट। तो ग्लोबुलर स्टेज, फिर उसके बाद में हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो। याद रहे, इस मैच्योर एम्ब्रियो को ही हम क्या कह देते हैं? टॉर्पिडो कह देते हैं। क्या कह देते हैं? टॉर्पिडो। अब यूं इमेजिन करो, ये चीज यहाँ पर विकास हो रहा था, ये चीज पूरी की पूरी यहाँ पर है। तो ये क्या चीज थी? होस्टोरियल सेल। ये देखो, ये क्या है? होस्टोरियल सेल, राइट। यहां से कंपेयर कीजिए, ये होस्टोरियल सेल है, ये पूरा क्या है? निलंबक। ये रहा निलंबक, ठीक है, सस्पेंसर। अच्छा, आपको मालूम है कि भ्रूण के पास में निलंबक की जो कोशिका थी, भ्रूण के पास में जो निलंबक की कोशिका थी, ये वाली, ये देखो, ये सब क्या है? हाइपोफाइसिस। तो यहां पर क्या रही होगी? हाइपोफाइसिस सेल रही होगी, राइट। और हाइपोफाइसिस सेल क्या बनाती है? रूट कैप। तो ये क्या बनाएगी? रूट कैप। ये देखो, मैंने लिख दिया यहां पर रूट कैप है, आर गेटिंग। और इसके पीछे की तरफ यहां पर क्या है? रेडिकल है। रेडिकल मतलब कि मूलांकुर। और क्या है इधर? क्या है? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, ठीक है, अभी बताऊंगा आपको, दो मिनट रुकेंगे तो आपको हाइपोकोटाइल वगैरह क्या है वो भी बताऊंगा। ये हाइपोकोटाइल है, ये रेडिकल है, राइट। और यहां पर क्या है? ये क्या चीज है? रूट का टिप है, यहां पर रूट का टिप है। और रूट के टिप के ऊपर क्या प्रेजेंट है? रूट कैप है, ठीक है। और ये क्या है? प्लूम्यूल है। प्लूम्यूल मतलब क्या होता है? प्रांकुर। और ये दोनों क्या है? बीज पत्र है। एक बार फिर से बता दूं, जो पूरा के पूरा एक मैच्योर एम्ब्रियो जो ओव्यूल के अंदर विकसित हो रहा है, उसमें ये क्या चीज है? ये दोनों तो बीज पत्र थे, ये बना रखे हैं, दो बीज पत्र है क्योंकि डाइकोट है। ये प्लूम्यूल है यानी कि प्रांकुर है, ये हाइपोकोटाइल है, राइट, अदो बीज पत्रों परिक। ये क्या हाइपोकोटाइल है? ये क्या रेडिकल है यानी कि मूलांकुर। यहां पर क्या आएगी? रूट का टिप है, और इस रूट को टिप को कवर किए हुए कौन है? रूट कैप है। ये क्या है? निलंबक है। और सबसे आखिरी सेल ये वाली कौन सी? ऑस्ट्रोबियल सेल है, जो कि बीजाड़ द्वार माइक्रोपाइल के पास में, ठीक है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये क्या चीज है? दिस इज अ मैच्योर एम्ब्रियो यानी कि परिपक्व एम्ब्रियो, या एक टॉर्पिडो एम्ब्रियो है, क्लियर है। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना, ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो, और ये कौन सा? मैच्योर एम्ब्रियो। अब आपने एक चीज देखी होगी, इस डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ वर्ड्स आ रहे थे, कॉटिलीडोन, है ना, कॉटिलीडोन, एपिकोटाइल, प्लीम्यूल, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, रूट कैप, ये सब टर्म्स क्या है, ये भी आपको मैं बता दूं। तो सबसे पहले एक तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, जब हम भ्रूणीय परिवर्तन पढ़ते हैं तो आपको भ्रूणीय अक्ष के बारे में मालूम होना चाहिए। भ्रूणीय अक्ष का मतलब होता है, दैट इज नोन एज एम्ब्रियोनल एक्सेस। मैं फिर से बता दूं क्या है ये? एम्ब्रियोनल एक्सेस है, जिसको कि हम टाइजिलम भी कहते हैं। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस क्या है? तो वह अक्ष जो प्लूम्यूल और रेडिकल के बीच में स्थित है,
यूं समझो ये भ्रूणीय अक्ष है। ये क्या है? भ्रूणीय अक्ष है। दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ऑलवेज रिमेंबर एम्ब्रियोनल एक्सिस इज प्रेजेंट बिटवीन प्लूम्यूल एंड रेडिकल। प्लूम्यूल एंड रेडिकल, प्लूम्यूल क्या है? प्रांकुर, राइट। और प्रांकुर से क्या बनता है? प्ररोह बनता है। और मूलांकुर से क्या बनता है? मूल बनती है। बात समझ में आ रही है? प्लूम्यूल से क्या बनता है? शूट। और रेडिकल से क्या बनता है? रूट। तो बीच में क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है, जिसको टाइजिलम कहते हैं। यहां पर भ्रूणीय अक्ष है, इसके भ्रूणीय अक्ष कहां पर है? प्रांकुर और मूलांकुर के बीच में। प्लूम्यूल इधर है, रेडिकल इधर है, दोनों के बीच में क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस है। तो पहली बात तो भ्रूणीय अक्ष के बारे में मालूम होना चाहिए। अब आ जाओ एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल, राइट। ये जो टर्म है, एक तो एपिकोटाइल और एक हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल किसने बनाया था? एपिबेसल सेल ने। हाइपोकोटाइल किसने बनाया? हाइपोबेसल सेल ने, ठीक है। अब एपिकोटाइल क्या है? जैसे कि नेम शो कर रहा है, एपी मतलब ऊपर, कोटाइल मतलब कोटलीडोन। एपी मतलब ऊपर, कोटाइल मतलब कोटलीडोन, कोटलीडोन मतलब बीच पथ। तो पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबाउट द लेवल ऑफ कोटलीडोन्स, कहने का मतलब है भ्रूणीय अक्ष का वह भाग, राइट, भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो कोटलीडोन के क्या हो? ऊपर हो, जो बीच पत्र के ऊपर हो, बीच पत्र के जुड़ने के स्थानों के ऊपर हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? एपिकोटाइल। वापस से बोल रहा हूं, एपिकोटाइल क्या है कि भ्रूणीय अक्ष का वह भाग, भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो बीच पत्रों से ऊपर की तरफ हो, उसको क्या बोलेंगे? एपिकोटाइल कहेंगे। और याद रखो एपिकोटाइल किसमें टर्मिनेट होता है? एपिकोटाइल टर्मिनेट होता है किसके अंदर? प्रांकुर के अंदर, प्लूम्यूल के अंदर। और हम क्या कहते हैं प्लूम्यूल को? क्या कहते हैं? स्टेम टिप। क्यों? क्योंकि इससे क्या बनता है? शूट बनता है। वापिस से बता दूं, एपिकोटाइल कहां पर है? ये कहां पर है? ये भ्रूणीय अक्ष का वह भाग है जो बीज पत्रों के कहां है? ऊपर है। ये किसमें खत्म होता है? प्रांकुर के अंदर या स्टेम टिप के अंदर। अब एक और भाग था जिसका नाम था हाइपोकोटाइल। अब हाइपो मतलब नीचे, कोटाइल मतलब बीज पत्र, हाइपोकोटाइल मतलब कोटलीडोन के नीचे। कहने का मतलब है भ्रूणीय अक्ष का वह भाग, हाइपोकोटाइल क्या है? भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो कोटलीडोन के जुड़ने के, जो कि कहां पर होता है? कोटलीडोन के नीचे की ओर स्थित होता है। वापस बोल रहा हूं, भ्रूणीय अक्ष का वह भाग जो कि कोटलीडोन के नीचे की ओर स्थित होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोकोटाइल कहते हैं। और ये टर्मिनेट होता है किसके अंदर? रेडिकल के अंदर। ये एंड होता है किसके अंदर? रेडिकल यानी कि मूलांकुर के अंदर, या जिसको कि हम क्या कह देते हैं? रूट टिप कह देते हैं। और याद रखना रूट टिप को कवर किए हुए क्या प्रेजेंट होती है? रूट कैप। रूट टिप को कवर किए हुए कौन होती है? रूट कैप। और रूट कैप का निर्माण किसने किया? तो वो हाइपोफाइसिस ने किया, निलंबक की कोशिका थी, क्लियर। और रेडिकल क्या है? तो गिव राइज टू रूट, राइट। ये मैंने डिस्कस किया है। हाइपोकोटाइल। प्लूम्यूल क्या है? गिव राइज टू शूट, प्ररोह को जन्म देता है। एपिकोटाइल मैंने डिस्कस किया है। और दो क्या होते हैं? बीज पत्र। कोई पूछे कि बीज पत्र क्या है? तो बीज पत्र वास्तव में भ्रूणीय पत्तियां हैं, राइट। दीज आर द एम्ब्रियोनिक लीव्स, राइट। क्या है ये बीज पत्र? क्या होते हैं? भ्रूणीय पत्तियां होती है। और इनके अंदर स्टोर्ड फूड मटेरियल, संग्रहित भोज्य पदार्थ जो होता है, वो क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो ये पूरा के पूरा एक डेवलप्ड एम्ब्रियो है, जिसके अंदर बीज पत्र दिख रहे हैं, प्लूम्यूल दिख रहा है, हाइपोकोटाइल दिख रहा है, रेडिकल दिख रहा है, रूट कैप, रूट के टिप दिख रही है, राइट, और रूट कैप दिख रहा है। ये सस्पेंसर है, और ये क्या है? होस्टोरियल सेल है। और ये पूरा कहां पर है? ओव्यूल के अंदर है, ठीक है। अब इतना तो आप 10th क्लास से सुनते हुए आ रहे होंगे कि आवृत बीजी पादपों के अंदर एंजियोस्पर्म्स में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सीड में, मतलब बीजांड किसमें बदल जाता है? बीज में, राइट। और ये बीजांड था कहां? ओवरी के अंदर, अंडाशय के अंदर। तो जब पूरा के पूरा निषेचन हो जाता है तो ओवरी बदल जाती है किसके अंदर? ऑलवेज रिमेंबर ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट के अंदर। याद रखो अंडाशय फल में बदल जाता है, और ये जो बीजांड है ओव्यूल है वो किसमें बदल जाता है? बीज के अंदर। तो नेचुरली कि जब ओव्यूल सीड में बदल गया तो ओव्यूल में क्या बन रहा था? भ्रूण। तो अब जब ओव्यूल सीड कहलाएगा तो अब भ्रूण कहां है? सीड के अंदर। तो कोई पूछे आपसे कि भ्रूण कहां पर है, लास्ट में पूछे कि भ्रूण कहां पर है? या बीज के अंदर क्या है, तो आप कहोगे कि सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो, भ्रूण है। याद रखना एक स्टेटमेंट बोल रहा हूं, एम्ब्रियो इज अ टाइनी प्लांट प्रेजेंट इन द सीड। एम्ब्रियो भ्रूण एक छोटा पादप है जो कि कहां पर पाया जा रहा है? बीज के अंदर। जब आप बीज को जमीन के अंदर डालते हो, जब आप बीज को जमीन के अंदर डालते हो, पानी पिलाते हो, तो बीज चोल फटते हैं और जो नया एक पादप बाहर निकलता है वो और कुछ भी नहीं है, वो क्या है? भ्रूण है। बेसिकली वो क्या है? भ्रूण है, ठीक है। अच्छा याद रखना जब ओव्यूल सीड में बदलता है तो ओव्यूल की कुछ रचनाएं भी बदल जाती है। जैसे कि बताओ ओव्यूल के चारों तरफ क्या होता है? इंटीग्यूमेंट, आपने सुना होगा। इंटीग्यूमेंट क्या होता है? अध्यावरण। ओव्यूल को घेरे हुए, बीजांड को घेरे हुए क्या होते हैं? अध्यावरण होते हैं। तो वो जो अध्यावरण होते हैं वो कितने होते हैं? दो होते हैं। तो ये जो दो अध्यावरण है वो ओव्यूल के अंदर होते हैं,
तो ओव्यूल जब सीड में बदल जाता है तो ओव्यूल के ऊपर पाए जाने वाले जो ये दो अध्यावरण है इंट्यूगमेंट्स है राइट, आउटर और इनर, तो आउटर इंट्यूगमेंट से तो बन जाता है टेस्टा और इनर इंट्यूगमेंट से क्या बन जाता है टेगमेन, यानी कि दो प्रकार के क्या बन जाते हैं बीज चोल बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं बीज चोल, बीज के ऊपर दो बीज चोल होते हैं टेस्टा और टेगमेन, बाहर वाला कौन होता है टेस्टा, अंदर वाला क्या होता है टेगमेन, और ये किससे बने अध्यावरणों से बने, आर यू गेटिंग ऑर नॉट, तो ये भी उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलता है ठीक है। तो ये पूरा आपको आना चाहिए लास्ट तक कि एम्ब्रियो कैसे बना और अल्टीमेटली ओव्यूल किसमें बदला, तो सीड के अंदर, और जो अपना ओवरी है वो किसके अंदर बदल गई फ्रूट के अंदर बदल गई, आर यू गेटिंग, आपको ये स्थान स्थान के ऊपर पूरा जो सीक्वेंस बताया ये सीक्वेंस हमेशा ध्यान होना चाहिए। तो हमारा जो आज का वीडियो था वो था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकोट्स, जिसको कि हमने कैप्सुला को ध्यान में रखते हुए जो कि क्रूसीफेरी कुल का सदस्य है हमने पढ़ा, और ये जो पूरा के पूरा डेवलपमेंट था इसको हमने क्रूसीफेरी टाइप, क्रूसीफर टाइप या ओनाग्रे टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहा था। सो थैंक्स अ लॉट, होप सो यू हैव लाइक दिस वीडियो, हम लोग इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोज जो है वो आपके लिए लाते रहेंगे राइट, इन्हें आप देखते रहिए, और यदि आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए ताकि आप लोग नोट्स अच्छे से मेंटेन कर पाएं। थैंक यू।